डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। दवा कंपनियों वे कुछ चिकित्सकों का गठजोड़ मरीज व तीमारदारों के साथ ही सरकार को भी राजस्व का भारी चूना लगा रहा है। मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने की पीएम मोदी महत्वाकांक्षी योजना को भी इसके चलते पलीता लग चुका है। आरोप है कि कंपनियां चिकित्सकों व नर्सिंग होम को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध करा रही हैं, जबकि चिकित्सक व नर्सिंग होम संचालक दवा का पूरा पैसा मरीजों से वसूल रहे हैं। ऐसा करने से जो लाभ मरीजों को मिलना चाहिए वह सीधा चिकित्सकों की जेब में जा रहा है। उत्तर प्रदेश केमिस्ट संघर्ष समिति के संस्थापक गोपाल अग्रवाल ने कहा कि ऐसा कर यह गठजोड़ राजस्व की भी भारी चोरी कर रहा है। इस व इससे जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश केमिस्ट संघर्ष समिति ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि यदि उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 5 अगस्त को मेरठ में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस गठजोड़ के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। पहले देखिए संघर्ष समिति के संस्थापक गोपाल अग्रवाल ने क्या कहा। दरअसल दवा का व्यापार पब्लिक में जनता के बीच तो बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु मिटने की कगार पर आ गया। अब इतना बड़ा व्यापार जो हर साल 15% की बढ़ोतरी ले रहा है और जिसका वॉल्यूम 2,00,000 करोड़ भारत में पहुंच गया हो, और कोई आदमी कहे कि मिटने की कगार पे है तो बड़ा विचित्र लगेगा। दरअसल स्थिति है कि दवा का व्यापार कहीं नहीं जा रहा, दवा का व्यापार ही मिटने की कगार पर है। व्यापार तो रहेगा दवा का, जब तक इंसान जिंदा है दवा की जरूरत पड़ेगी। हुआ क्या है कि अब धीरे धीरे कंपनियां जो बाजार है, बाजार का मतलब जब भी बाजार की बात होगी तो होलसेलर और रिटेलर दोनों को मिला के चलते हैं, अलग अलग नहीं है। अब दवा की कंपनियां ये सोचने लगी हैं कि हम रिटेलर होलसेलर की क्या जरूरत है। कारण आपको मालूम है, पहले भी आंदोलन हुए कि हम क्यों ना डॉक्टर और हॉस्पिटल में सीधे दवा बेच लें, तो ये बीच में से बर्गन की जरूरत क्या पड़ेगी। तो इसी चोरी पे जब से आना शुरू हुआ है तब से दवा व्यापारियों के साथ कंपनियों का एक उठारागार, एक तरीके से मनमानी, एक तरीके से जो अत्याचार भी कह सकते हैं, अत्याचार वर्ड को यूज करने में कोई कठिनाई नहीं सकता। अब मैं 3 मांगों को रखा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि भाषण हो जाएगा आप लोगों के सामने, भाषणों में बात करेंगे। 3 बिंदु हैं और जो कमी रह जाएगी हमारे साथियों को बताएंगे। पहला बिंदु, हमारे यहाँ एक्सपायरी का समय 3 महीने दिया गया है। हम लोग पूरे प्रदेश भर में मांग कर रहे हैं कि एक्सपायरी 1 साल के लिए होनी चाहिए, समझे सर इस बात को। कारण क्या है, हर आदमी अगर 3 महीने की है तो हर आदमी ये तो है नहीं कि हर महीने एक्सपायरी छाटेगा, मेरे के बहुत लंबा कठिन समय है। तो हम कह रहे हैं 1 साल के रखिएगा, जब भी हमारा उसको 30-40% कम रेट पे या एक्स्ट्रा फ्री बुक करके देती है, तो वो अपर हैंड पे रहता है, अपर हैंड पे रहेगा ना, उसको मुनाफा ज्यादा है। और क्या पे रहा है, MRP पे दवाई वाला उससे महंगे रेट पे ले रहा है और बेच कर रहा है अपने रेट से नीचे 1-2% के मुनाफे पे। डॉक्टर बेच रहा है 40% के। और एक बात आपके संज्ञान में और डाल दूँ, 50 रुपये की दवाई खरीद कर 100 रुपये में बेचोगे तो GST के नियम के अनुसार 50 रुपये पे आपको GST देना पड़ेगा। दवाई वाला 50 रुपये की दवाई खरीदता है, 52 रुपये की बेचता है, 2 रुपये पे GST देता है। सरकार की बहुत बड़ी राजस्व में चोरी हो रही है। इस बारे में केमिस्ट संघर्ष समिति से जुड़े अन्य लोगों ने फर्स्टबाइट.tv से यह कहा। विक्रम सोंधी, एक आसमानी गज स्टोर।
प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल कंपनीज जो छोटी कंपनीज हैं वो लोग आजकल ये है कि 20% पे अपने मार्जिन पे काम करना चाहती हैं, जबकि कस्टमर को 20-20% तो डिस्काउंट पास ऑन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिटेल की सबसे बड़ी ये बनती जा रही है डे बाई डे, और फ्यूचर ऐसे ही प्रॉब्लम होती जा रही है। और कुछ जो ये कंपनीज कौन सी ऑनलाइन इन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस कर रहे हैं आज के टाइम में रिटेलर्स। क्या समाधान चाहिए? बस ये सब लोग बैठ के ही समाधान निकालेंगे बैठ के। 45 years से दुकान चला रहा हूँ बत्रा मेडिकल स्टोर का, मेरे नाम से। मेरा नाम ललित बत्रा है, मैं पिछले 47 years से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ रिटेल का। हमारी तीसरी पीढ़ी इस काम में लग चुकी है, बट अब मैं इसे पैकअप करना चाहता हूँ। पैकअप करने का कारण क्या है? सबसे पहला है एक्सपायरी का काम है, जो वैरायटी बढ़ती जा रही दिन पे दिन, और डॉक्टर्स के पास सब वैरायटी अपने पास बना रहे हैं। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हरिद्वार जाते हैं सामान खरीद के ले आते हैं, 10 डॉक्टर इकट्ठी खरीद के ले आते हैं और आके अपने मेडिकल स्टोर खुला के ब्लैकमेल करते हैं वो लोग, और दवाई दे दो तो उसे वापस कर देते हैं। 95% डॉक्टर्स की पोजिशन हो गई इस पर, 5 या 10% डॉक्टर ऐसे बचे हैं जो ईमानदार हैं, टिप्स भी आ जाएंगे आपके। तो इस चीज़ को सबसे पहले ये चीज़ बंद होनी चाहिए। एज ए रिटेलर में बहुत बढ़िया डिमांड है आपने कि सबसे पहले इस काम को ठीक करा जाए। डॉक्टर्स की जो तरीका है, बाहर की दवाई को नकली बता देते हैं, अंदर की दवाई को सही बता देते हैं, जबकि वो साफ दिखाई देती है। हम लोग एक्सपीरियंस जैसे आदमी हम लोग हैं, हम देख के बता देंगे नकली दवाई क्या है असली दवाई क्या है। हमारे सामने दवाई आई है, हम एक मिनट बताएंगे नकली क्या है असली क्या है, लेकिन वो हमारी दवाई को नकली बताते हैं, उनको चैलेंज भी करते हैं हम, लेकिन कोई आता नहीं है। फोन पे बात भी नहीं करना चाहते वो कहते हैं पेशेंट को हमारे पास ही भेज दीजिए आप। जब उसे फिर डांटना करते हैं तो कहते हैं पेशेंट को हमारे पास भेजिए, बहस भी करना चाहते हैं, फोन बंद कर देते हैं। ये पोजीशन है डॉक्टर्स की, और बड़े बड़े जो 1,000 में फीस लेते हैं वो लोग कर रहे हैं इस काम को। सुधीर कुमार, और मैं लगभग 20 साल से काम कर रहा हूँ। अभी सन फार्मा ने क्या किया है कि 40 डॉक्टरों को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, और जो बाकी के खैनगर के व्यापारी है उनको वो अपने तरीके से माल बेच रहे हैं, ना कि ऑर्डर के हिसाब से। हमारे देश में जो है एक मौसमी सीजन चलता है, जैसे सर्दी आती है तो हेल्थ सीजन बोलते हैं, गर्मी वगैरह आती है तो ज्यादा सीजन चलता है। अगर किसी ने इस सीजन में किसी चीज में 40 बॉक्स मंगाए हैं तो वो जब हेल्थ सीजन आएगा सर्दियों में तो उसके भी 40 डिब्बे बॉक्स ही बेचते हैं। तो यही मांग है कि ऐसा ना किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर लगाए केवल ऑर्डर वही आए, अगर कोई एक डिब्बे की डिमांड करे तो एक आए, दो आए, दो की डिमांड करे तो। निकले जाए कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर की जो होलसेलर है उनकी एक्सपायरी 1 साल तक के लिए नहीं होगी, और जो अनाप शनाप MRP आ रही है, जो डॉक्टरों के क्लिनिक में जो दवाइयाँ बिक रही है, अगर वहाँ पर किसी कोई प्रोडक्ट हो 200 रुपये MRP तो वही क्या नाम ये सब जो अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी है उनके MRP उससे आती है, जिससे कि क्या नाम जी जो कंज्यूमर है उनको बहुत ही महंगी दवाइयाँ मिल रही है। कपड़ी चड्डा नाम मेरा, और लगभग 50 साल के पोषे के बिजनेस का नाम मैं जो हर काम 75 years हो गया, पर एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है हिसाब से जो डॉक्टरों ने जैसे अपना रविंद्र जी ने बताया कि उन्होंने अपनी दवा बनवा के अपने स्टोर पे रखे हैं, और जो अच्छे ब्रांड हैं वो पेशेंट को नहीं मिल पाते। एक जो उनकी क्वालिटी कम है या सब स्टैंडर्ड कह सकते हैं वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनको जो चीज़ 10 रुपये मिलती है वो 100 रुपये में देते हैं और MRP भी देते हैं। बाजार में जाता है रिटेलर के पास 15-20% डिस्काउंट भी मिलता है, और जेन्युइन और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हर डॉक्टर वो प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी नहीं है, और अल्टीमेटली पेशेंट को भी इफेक्ट हो रहा है और वो चीज ट्रेड को भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जैसे हमने कहा कि बंद होने कगार पे है वो राइट है, और बहुत से लोग बंद भी कर रहे हैं, बंद होने के तहत बढ़ रहे हैं। 3 मांगे सर, एक तो एक्सपायरी का रिगार्डिंग है जो कि हमारा
ट्रेड के अंदर 6 महीने से पहले पहले कंपनी में पहुँच जाने थी। एक्सपायर होने के बाद दो रिटेलर पहले रिटेलर जो है होलसेलर को देता है और उसके बाद होलसेलर उसको आगे देता है। वो 6 महीने से पहले पहले पहुँचे रहती है। तो जो रिटेलर की इतनी ज़्यादा वैरायटी हो गई है कि रिटेलर को बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपायर होते हैं, छाटने में परेशानी होती है। छाट के वो लिस्ट होलसेलर के पास भेजता है, फिर होलसेलर उसको फिर प्रोसेस करता है, फिर कंपनी तक पहुँचाना होता है। और एक भी दिन अगर ऊपर हो गया तो कंपनी को डिसअलाउ कर देता है। मैं देवेंद्र हुसैन, मैं पिछले 25-30 सालों से होलसेलर काम करता हूँ। फैमिली में बड़ा अच्छा व्यापार था, लेकिन अब धीरे धीरे व्यापार बंद होने के कगार पे आ चुका है। उसका कारण है मेन, मनोज जी, उसको माल मिलता है कंपनियों से डायरेक्ट। अगर वो कंपनियां डायरेक्ट नहीं देती तो डॉक्टर अपने ही ब्रांड बाजार में बनवा के बेच रहे हैं, उससे रिटेलर होलसेलर सबका मार्जिन खत्म होता जा रहा है। और सरकार को उसका GST का बहुत नुकसान है। आप सर्वे करा सकते हैं कि कितना GST रिटेलर और होलसेलर देता मेरठ का और कितना GST डॉक्टर देता है। ये परेशानी आज बहुत बढ़ गई है। आज आने वाले समय में बहुत सारे रिटेलर होलसेलर बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे इस व्यापार से। तो अब सरकार को हमारे मामले में देखना होगा कि वो डॉक्टरों को प्रति कोई ना कोई ऐसा नियम लाए जिससे डायरेक्ट रिटेलर और होलसेलर अपना व्यापार पूर्ण रूप से चला सके। जी नहीं, अधिकतर डॉक्टर की दवा अच्छे बड़े डॉक्टरों के पर्चे कोई भी रिटेलर पूरी कंपनी दवाई नहीं कर पाता। उसका रीजन है कि एक दो ब्रांड उसमें ऐसे होते हैं जो डॉक्टर अपनी ही मार्केटिंग के लिए भी कंपनियों में बेचते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।